इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा फ्रेंड्स कि कैसे आप गूगल में अपनी फ्री की वेबसाइट बना सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और टेक माई वे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में वेब ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। आप गूगल क्रोम ओपन कर सकते हैं। तो आपका ब्राउज़र जब ओपन हो जाएगा तो आपको लिखना है इसके सर्च बार में ब्लॉगर, BLOGGER ब्लॉगर लिख के सर्च करिए। ब्लॉगर लिख के सर्च करने के बाद आपके सामने ब्लॉगर का जो लिंक है यहाँ पे आ जाता है, blogger.com। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उससे पहले आपने अगर साइन इन नहीं किया है तो यहाँ पे अपने ब्राउज़र में आप साइन इन कर ले अपने जीमेल आईडी से, क्योंकि आपको वेबसाइट बनाने के लिए आपके जीमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो साइन इन में क्लिक करके आप साइन इन कर ले। मोबाइल में आप साइन इन कर सकते हैं, साइन इन का ऑप्शन आपको वहाँ पे मिल जाता है। साइन इन कर लेने के बाद जो पहला लिंक है ये आपको दिख रहा है blogger.com, तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो वेबसाइट ओपन होने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा क्रिएट योर ब्लॉग का, ये रहा। तो क्रिएट योर ब्लॉग में क्लिक करिए। उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के। नेक्स्ट में आपको मिलता है ऑप्शन कि कन्फर्म योर प्रोफाइल का, कन्फर्म योर प्रोफाइल था। इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं क्रिएट ए गूगल प्लस प्रोफाइल जो आप अभी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आपको अगर जल्दी है तो क्रिएट ए लिमिटेड ब्लॉगर प्रोफाइल में क्लिक करिए और आगे बढ़िए। यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल का नेम रख सकते हैं कुछ भी, और फिर आपको क्लिक करना है कंटिन्यू टू ब्लॉगर में इस जगह पे। नेक्स्ट में आपको क्या करना है कि क्लिक करना है क्रिएट न्यू ब्लॉग में, नीचे में आपको दिख रहा होगा, तो इसमें क्लिक करिए। अब उसके बाद हमारे पास ज़रूरी चीज़ें तीन आती है। पहला है टाइटल, यहाँ पे आप देख रहे हैं टाइटल आपके वेबसाइट का टाइटल क्या होगा। उसके बाद वेबसाइट का एड्रेस, जैसे कि हम डालते हैं www. तो उसके बीच में जो आता है उसको बोलते हैं वेबसाइट का एड्रेस, तो वो क्या होगा। और उसके बाद थीम, यानी कि वेबसाइट का जो डिज़ाइन हो वो कैसा होगा। तो ये तीन चीज़ें हमको यहाँ पे अभी सिलेक्ट करनी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करनी है। सबसे पहले आपको नेम सेलेक्ट करना है, तो कोई अच्छा सा नेम अपने वेबसाइट के लिए आप चुन ले, जैसे कि कुछ भी आपको जो आप सूटेबल लगता है जिससे रिलेटेड हो। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डालना है, और एड्रेस डालने से पहले आप याद रखें कि एड्रेस यूनिक होना चाहिए ताकि वो एड्रेस आपको मिल जाए, क्योंकि अगर एक सिमिलर सा आपको अगर एड्रेस डालते हैं तो वो अवेलेबल नहीं होता है। तो एक अच्छा सा यूनिक एड्रेस सिलेक्ट करें ताकि आपको वो अवेलेबल हो और उससे आप अपना वेबसाइट का एड्रेस और लिंक बना सकें। जब आप अपना एड्रेस यहाँ पर डालिएगा तो आप देखिएगा यहाँ पर वेरीफाई का जो साइन है यहाँ पर दिख जाएगा। इसका मतलब है कि आपका एड्रेस अवेलेबल है, वरना नहीं है। तो उसके बाद टाइटल और एड्रेस हो जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना है थीम कि आपका डिज़ाइन कैसा होगा। तो आप यहाँ पे से डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल के लिए कोई जैसे डिज़ाइन ले लेता हूँ। उसके बाद आपको नीचे में क्लिक करना है क्रिएट ब्लॉग में, तो क्रिएट ब्लॉग में सेलेक्ट क्लिक करिए। यहाँ से हमारा वेबसाइट बनने का काम शुरू हो जाता है। और ये एड्रेस जो आपने डाला उसको याद रखिएगा, क्योंकि यही आपके वेबसाइट का एड्रेस होगा और इसको ही सर्च करके आप जा सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं अपने वेबसाइट में। तो यहाँ से हमारा वेबसाइट क्रिएट हो चुका है। अब हमको पोस्ट क्रिएट करना है। तो देखिए, पोस्ट क्रिएट करने के लिए आपको क्लिक करना है न्यू पोस्ट में, तो न्यू पोस्ट में क्लिक करिए। क्योंकि वेबसाइट जब हम बनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई आर्टिकल लिखते हैं, कोई ना कोई पोस्ट लिखते हैं जिससे लोग आके देख सके, कोई फ़ोटो डालता है, कोई वीडियो डालता है, तो वो चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी लोड हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको डालना है वेबसाइट में पोस्ट का टाइटल इस जगह पे, तो आपको टाइटल डालना है। जैसे कि डाल देता हूँ दिस इज माय फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट, और फिर यहाँ पे आपको इस जगह पे आपको लिखना है मेन पोस्ट का कंटेंट कि आपका पोस्ट है किस बारे में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, और मान लीजिए हमको कोई फ़ोटो ऐड करना है अपनी आर्टिकल में, तो यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें क्लिक करने पर आप फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आपकी ओपन हो जाती है। अगर आप मोबाइल में यूज कर रहे हैं तो फाइल मैनेजर ओपन होगा, और कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं तो आपका कंप्यूटर का फाइल्स यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं और कोई फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कोई फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे। फॉर एग्जांपल मैं ये फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे ओपन करता हूँ, तो ये अभी अपलोड हो रहा है और मैं इसे अभी अपलोड करके दिखाऊँगा कि इसे डालते कैसे हैं। तो ये फ़ोटो आ चुका है, इसको सेलेक्ट करिए और इधर ऐड सेलेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, ऐड सेलेक्ट में क्लिक करिए। तो यहाँ से हमारा यह फ़ोटो जो है आ जाता है, फिट हो जाता है हमारे ब्लॉग पोस्ट में। इसे आप ड्रैग करके रिसाइज कर सकते हैं किस टाइप का आपका रहेगा। और फॉर एग्जांपल अगर आपको वीडियो इम्बेड करना है, वीडियो लगाना है, और मान लीजिए आपको अपने यूट्यूब चैनल का वीडियो लगाना है, तो वो आप कैसे करिएगा, आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है वीडियो का, इस आइकॉन में क्लिक करिए।
तो यहाँ से आप वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे माय वीडियो यूट्यूब वीडियो में क्लिक करिएगा तो आपको आपके यूट्यूब चैनल की वीडियो मिल जाएंगे, और फ्रॉम यूट्यूब करिएगा तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, और फिर सर्च करिएगा तो आपको अपने चैनल के वीडियोस मिल जाएंगे जिसको आप इम्बेड कर सकते हैं इस अपने वेबसाइट में। तो देखिए मैंने यहाँ पे वीडियो इम्बेड कर दिया और ये फ़ोटो इम्बेड कर दिया है। अब इसको अब मैंने ये एग्जांपल के तौर पे लिया है, तो आप अच्छे से अपने वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें आर्टिकल लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पब्लिश करना है तो यहाँ पर पब्लिश का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप इसे पब्लिश कर सकते हैं। तो देखिए जो हमने बनाया था वो पब्लिश हो चुका है। अगर हम आपको अपने वेबसाइट को देखना है कि हमारा वेबसाइट है कैसा और दिखता कैसा है, तो आपको एड्रेस टाइप करना होगा। नए टैब में आइए और आपने जो एड्रेस डाला था अपने वेबसाइट को बनाने वक्त शुरू में जो सेकंड में जो डाला था उसको यहाँ पर टाइप करना है। तो मैंने डाला था यहाँ पे आपको blogspot.com लास्ट में डालना होगा, क्योंकि ये फ्री में है तो आपका लास्ट में blogspot.com आता ही है, क्योंकि गूगल की तरफ से दिया जा रहा है और फ्री में है। इसीलिए अगर आपको सिर्फ blogspot हटाना है तो आपको डोमेन खरीदना पड़ेगा जो आपको 99 रुपीज़ में मिल जाती है godaddy.com से। तो देखिए हमने एड्रेस ऊपर जब डाला यहाँ पर तो हमारा जो साइट है ये ओपन हो चुका है, और जो हमने पोस्ट यहाँ पर लिखा था वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो, और रीड मोर में करिएगा तो आपका जो फुल पोस्ट है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो सर्च इंजन को स्कैन करने में आपके वेबसाइट को कुछ टाइम लगता है, ये इसलिए कुछ देर बाद आपको अपने वेबसाइट गूगल सर्च में मिलेगा, ये तुरंत मिलेगा नहीं। लेकिन अगर आप ब्राउज़र में अपने एड्रेस डालते हैं अपनी वेबसाइट का, जो ये वाला जो यहाँ पर आपने डाला होगा, जो मैंने डाला है इस तरह से ऊपर में जो आपने सेलेक्ट किया था वो डालिएगा, तो आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा और इस तरह से आप फ्री में अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं फ्री में गूगल में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और शेयर करिए इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में, और ऐसे ही इजी टेक वीडियोज़ देखते रहने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं रेड कलर वाले बटन में क्लिक करके। फिलहाल के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।